हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की भर्तियों को लेकर न्यू अपडेट के बारे में। तो इसमें जो है दो ऑफिशियल न्यू अपडेट आपको देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर नोटिफिकेशन इसके जारी कर दिए हैं। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर रिक्त पदों की वैकेंसी जो आपकी आई हुई है उसके संदर्भ में क्या यहाँ पर अपडेट जारी किया गया है, उसके बारे में हम आज डिटेल में जान लेते हैं। और रिक्त सब्सक्राइब करके तो प्लीज़ कर लेना, साथ में घंटी वाले प्रेस करना बना, इससे अपडेट मिलते रहेंगे चैनल के माध्यम से। बात करते हैं पहली अपडेट को लेकर। तो यहाँ पर देखते हैं प्रेस विज्ञप्ति आप लोग देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, और इसमें जो है आपके रिक्त पद जो आपके लगभग 1500 के किसके करीब जो पुलिस भर्ती में है, इसमें कई लोगों ने फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं दे रखा है पौड़ी जनपद में, तो उनकी शारीरिक दक्षता परीक्षा यहाँ पर फिर से होनी है। इसको लेकर जो है इसका नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर रखा है, जिनका यहाँ पर 15 से लेके 15/5/2022 से लेके 29/5/2022 तक जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर छोड़ा था उसके रोल नंबर यहाँ पर जारी कराए गए हैं। ये आप लोग देख सकते इतने से रोल नंबर इतने तक के, इसको छोड़कर ठीक है, ये रोल नंबर छोड़कर 15/6 को होना है, 15 जून को आपका होना है। और वहीं यहाँ पर 30/5 को जिनका एग्जामिनेशन होना था इस रोल नंबर के बीच में, उनका यहाँ पर 16 जून को होना है। तो इनको एक और मौका दिया गया है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया गया है, जो कि यहाँ पर योग्यता परीक्षा ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है। और इसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा आपकी यहाँ पर 15 और 16 को होना है, सुबह 6 बजे आपको अपने डॉक्यूमेंट लेकर पहुँच जाना है, ठीक है। ये आयोग ने यहाँ पर बताया गया है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं दूसरी अपडेट को लेकर। दूसरी अपडेट काफ़ी महत्वपूर्ण है अभ्यर्थियों के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 जनपद जिनके आपके यहाँ पर अभी तक फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं हो रखे हैं, रुद्रप्रयाग, चमोली और में, तो इसका जो है फिजिकल एग्जामिनेशन अब यहाँ पर होना है 15 तारीख से, ठीक है। और इसके लिए कहाँ कहाँ पर कितने कितने अभ्यर्थियों का यहाँ पर आवंटन किया गया है, सारा कुछ लिखा गया है। आप देख सकते हैं कि रुद्रप्रयाग जनपद में आपका गुलाब राय मैदान जो कि रुद्रप्रयाग में है, पुरुष अभ्यर्थियों का होगा 4844 अभ्यर्थी यहाँ पर मिलेंगे, मतलब कि चार इतने लोगों का वहाँ पर होगा। और वहीं यहाँ पर पुलिस लाइन जो आपका रतुड़ा रुद्रप्रयाग है, यहाँ पर जो है महिला अभ्यर्थियों का होगा और 26 से 26 अभ्यर्थी यहाँ पर जो प्रतिभाग करेंगे। टोटल जो है आपके 7470 अभ्यर्थी यहाँ पर प्रतिभाग करने वाले हैं। चमोली में अगर बात करें, यहाँ पर पुलिस लाइन चमोली पुरुष अभ्यर्थियों का होगा 7092, और वहीं यहाँ पर स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपी जो कि महिला अभ्यर्थियों का होगा 4337 अभ्यर्थियों का, टोटल 11429 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर जो है प्रतिभाग करना है। और उत्तरकाशी की अगर बात करें, यहाँ पर स्पोर्ट्स स्टेडियम मनेरा में जो है उत्तरकाशी में होगा 7699 जो कि पुरुष अभ्यर्थियों का होगा, और पुलिस लाइन जो कि ज्ञानसू उत्तरकाशी में होगा वो 4122 अभ्यर्थियों का, टोटल 11821 अभ्यर्थी यहाँ पर प्रतिभाग करेंगे। इसके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, आप लोगों ने डाउनलोड कर लिए होंगे, मैंने पहले ही वीडियो बना दिया था। और बाकी जो अपने पहचान पत्र लेके आना है, 2 फोटोग्राफ लेके आना है, और शारीरिक दक्षता परीक्षा केंद्र पर आपको निर्धारित समय पर पहुँचना है, और 6 बजे का टाइम दिया होगा, 6 से 7 बजे का आप एडमिट कार्ड में चेक कर सकते हो। बाकी इंस्ट्रक्शन वहाँ पर लिखे गए हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। तो 1521 पदों की भर्ती परीक्षा जो यहाँ पर रुकी हुई थी आपकी 3 जनपदों में, वो शुरू कर दी गई है आपकी।